आज तो हमारे आंकड़े है ना कि हमारा हर पांचवा बच्चा कुपोषित है। तो उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा आपने क्या सोचा था, क्यों रिजर्व की थी महिलाओं के लिए पंचायत में? पंचायत की महिलाओं ने वो रास्ता नापा है, वो 5 साल डट के काम करेंगी। देश में इतनी विजडम है, बिल्कुल इतनी विजडम है, लोकल विजडम। तिहत्तरवां संविधान संशोधन पंचायत राज में महिलाओं की उपस्थिति में सुधार तो लाया, लेकिन यहाँ से महिलाएं विधानसभा या संसद तक क्यों नहीं पहुँच पाई? पंचायती राज में बाकायदा जब कुछ राज्यों में महिलाओं की उपस्थिति 50% भी कर दी गई, उसके बावजूद भी संसद और विधानसभाओं की सीढ़ियां महिलाएं क्यों नहीं चढ़ पाई, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं रीटा सरीन जी, जो कि कंट्री हेड हैं द हंगर प्रोजेक्ट की। बहुत बहुत स्वागत है रीटा सरीन जी आपका हमारे कार्यक्रम में। शुक्रिया रीटा जी। जैसे कि आपका संस्थान कई सालों से महिलाओं की लीडरशिप पे पंचायत राज में काम कर रहा है, तो आपने इतने सालों में ये ऑब्जर्व किया होगा, ये देखा होगा कि महिलाओं की उपस्थिति पंचायत राज में कैसी है, किस तरह के चैलेंजेस का सामना वो कर रही हैं। तो सबसे पहले, जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में कहा कि पंचायत राज में इतनी अच्छी उपस्थिति के बावजूद अब तो कई राज्यों में 50% महिलाएं हैं जो जिनके लिए आरक्षित हैं सीटें 50%, उसके बावजूद हमारी विधानसभाओं में और संसद में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में ये क्यों ट्रांसलेट नहीं हो पाया? पहले तो ये कहना चाहूँगी कि हम पिछले कोई 18 साल से महिलाओं के साथ काम कर रहे हैं जी, और पंचायत में चयनित महिलाओं के साथ काम कर रहे हैं 6 राज्यों में जी, बिहार में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, उत्तराखंड में, उड़ीसा में और कर्नाटका में जी। और मुझे याद है कि जब 2001 में हमने पहली ट्रेनिंग महिलाओं की पोखरण में की थी, तो उस वक्त हमें महिलाएं ढूंढनी पड़ती थी जी, कि एक ट्रेनिंग में कम से कम 30 महिलाएं हम होनी चाहिए जी। तो हम लोगों को फील्ड में पार्टनर ढूंढना, महिलाओं को ढूंढना और उनकी ट्रेनिंग करना एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जैसे जी। आज की डेट में अगर तो मुझसे आप पूछें कि इन 18 सालों में वो 30 महिलाओं को एक कमरे में लाना एक राज्य के एक ज़िले में जी 2 लाख महिलाओं में ट्रांसलेट हो गया जी, ओके, विच इज़ अ ह्यूज थिंग। और ये ट्रेनिंग जो हम लोग करते हैं महिलाओं के साथ, ये 1-to-1 रेजिडेंशियल, 3 दिन, 3 कभी 3.5 दिन, लेकिन जब 73वां संशोधन हुआ जी तो 33% था जी, अब 50 से ज़्यादा राज्यों में 50% है। पर मैं आपको बताऊंगी कि 50% तो रिजर्वेशन है, महिलाएं 60% आती हैं जी, तो 10% महिलाएं जो हैं वो नॉन रिजर्व सीट जनरल कैटेगरी में आ रही, जनरल कैटेगरी में आ रही जी। और महिलाओं का एक नारा है कि हर सीट हमारी है जी, हम रिजर्व सीट की बात नहीं कर रहे, हर सीट हमारी जी। और ये महिलाएं जो चुन के आती हैं, जो 10% एक्स्ट्रा आती हैं, ये वो नहीं है कि जो बहुत खूबसूरत है या बहुत बड़े परिवारों की बहुएं हैं या बेटियां हैं, जो शायद शुरुआत में हुआ होगा जी, लेकिन आज की डेट में 2019 में जी महिलाएं वो आती हैं जो यंग हैं जी, वो आती हैं जो नीचे तबके की हैं, वो आती हैं जो दलित हैं, ट्राइबल हैं, जो माइनॉरिटीज से हैं, और वो अपने बलबूते पे आती हैं जी। और जब चुन के आती हैं तो वो पूरी तरह से अपनी पंचायत में जुड़ जाती हैं। जैसे कि मैं अभी बिहार में थी, मैं आपको बता रही थी कि वहाँ पे 200 महिलाओं के साथ बातचीत की। रोहतास जिले की एक महिला ने बताया कि भाई मैं मेरे बच्चियाँ जिस स्कूल में जाती हैं गांव में, वहाँ पे हेडमास्टर स्कूल लगता है अगर 9-9:30 बजे तो 11 बजे तक तो कोई आता ही नहीं है जी, आता ही नहीं कोई 11 बजे तक। तो उसने एक दिन देखा, दो दिन देखा, ये मैं बता रही हूँ कि महिला जब चुन के आती है तो करती क्या है जी, ये बहुत अहम है कि किस तरह से वो बदलाव ला रही है, क्या कर क्या रही है वो। तो उसने कहा कि मैंने फिर एक दिन मैं आई और मैंने स्कूल को लगा दिया ताला,
जी ने कुंडा लगाया, ताला लगाया, वो खड़ी हो गई। तो जब वो हेडमास्टर आया तो उसने कहा ये क्या आपने बंद क्यों कर दिया, तो उसने कहा आप तो आते ही नहीं जी, बच्चे तो पढ़ने के लिए तैयार हैं, बच्चे झूलते रहते हैं कुर्सियों में 11 बजे तक, जब तक आप आते नहीं तो मैं आपकी रिपोर्ट करूँगी जी, मैं SDM से रिपोर्ट करूँगी कि आप आते नहीं हैं। तो उसने सोचा तुम, उसने उससे पूछा तुम होती कौन हो जी रिपोर्ट करने वाली, कहती मैं यहाँ की मुख्यमंत्री हूँ इस गाँव की, ये मेरी एंड शी यूज द वर्ड ये मेरी कंस्टिट्यूएंसी है जी, कंस्टिट्यूएंसी व्हाट अ वर्ड कंस्टिट्यूएंसी, एक अनपढ़ महिला जो अपने घर में भी जिसे इज्जत नहीं मिली जी, जिसे चुनने पंचायत में आने के लिए उसके परिवार ने कहा तुम हार जाओगी बेकार में, ना घर की ना घाट की, मेरी बेइज्जती करोगी, वही महिला चुन के आती है, वो महिला चुन के आती है और वो फिर अपने गांव में जाके स्कूल में हेडमास्टर आया कि नहीं जी, अगर नहीं आया तो वो रिपोर्ट करती है। उसी महिला ने बताया कि अगर आंगनवाड़ी में चावल और दाल जो बच्चों के लिए आ रहा जी, शी सेड के वो तो मतलब पहले तो अगर 50 किलो आया है अगस्त महीने भर का राशन आया है उसमें से बच्चों को देने के लिए, उनका ये कहना है कि कम से कम आधा तो ये खुदा जाने कहाँ चला जाता है जी, कौन ले जाता है, मास्टर लोग सब। तो फिर वो महिला वो उसको देखती है कि ये बच्चों को मिलता है साफ़ हो चावल, साफ़ हो दाल, गरम हो पकी हुई, बच्चों को मिले, टीचर या मास्टरों के घरों में ना जाए। तो मुझे बताओ पूर्णिमा, इतने बड़े देश में जी, इतना बड़ा देश, दिल्ली, दिल्ली के बाद मैं बिहार की बात कर रही हूँ, दिल्ली के बाद पटना, पटना के बाद ज़िला, ज़िला के बाद एक ब्लॉक, ब्लॉक के बाद एक गांव, गांव में एक महिला जिसे कोई पूछता नहीं है, वो इलेक्शन जीत के आई है, वो सुनिश्चित करती है जी कि बच्चे बच्चियाँ स्कूल जा रही हैं, हेडमास्टर आए, भोजन जो है वो साफ गर्म बच्चों को खाने को मिले जी, पानी साफ पीने को मिले जी, डायरिया ना हो जी, जो महिला गर्भवती है उसको आयरन की पिल मिल रही है कि मिल रही जी। अगर इस देश में कल को आज से 10 साल बाद 20 साल बाद कोई पूछेगा कि क्या हुआ इंडिया में कि महिलाएं एनीमिक नहीं थी, बच्चियों ने स्कूल जाना शुरू कर दिया, बच्चे कुपोषित नहीं थे, आज तो हमारे आंकड़े हैं ना कि हमारा हर पांचवां बच्चा कुपोषित है जी, एवरी फिफ्थ चाइल्ड इज मैलनरिश्ड, अगर आज हमारे ये आंकड़े हैं 20 साल बाद कोई कहे ये कैसे बदला जी, कौन गया सीहोर में जो कि पटना से 7 घंटे का रास्ता है, जहाँ सरकारी अफसर भी नहीं जाते हैं जी, कौन गया, किसने जाके जी। तो उस अनपढ़ महिला ने जिसको घर में भी इज्जत नहीं मिलती थी उसने बदला, उसने ये देखा। तो ये महिलाएं ये कर रही हैं जी। लेकिन आपकी बात का जवाब, मेरे को लगता है कि जब ये रिजर्वेशन हुई ये एक वर्ल्ड में रेवोल्यूशन थी जी। मैं जहाँ भी ट्रैवल करती हूँ वर्ल्ड में जी और इसके बारे में शेयर करती हूँ तो लोग कहते हैं ओ हिंदुस्तान में एक रेवोल्यूशन है, 1.4 मिलियन वुमेन आर इलेक्टेड टू विलेज पंचायत। तो कहते हैं अरे तुम्हारे देश में तो एक रेवोल्यूशन हो रही है, तुम तो इतनी लकी हो, तुम उस रेवोल्यूशन का एक हिस्सा हो और बदलाव आ रहा है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, क्या हो रहा है, पूरे वर्ल्ड की चयनित महिलाओं को जी, कैनेडा, अमेरिका, फ्रांस, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया सबको बीच में डाल दो तो भी 1.4 मिलियन महिलाएं नहीं बनेंगी, सबको मिला लो फिर भी नहीं बनेंगी। तो हिंदुस्तान में पंचायत के लेवल पे तो लोग कहते हैं कि ये रेवोल्यूशन है, तो इस रेवोल्यूशन में तो सब कुछ बदलाव आ गया होगा। तो मेरा ये कहना है कि इन महिलाओं को इतनी ये अपने घर से निकल के दबंग हो गई हैं और इतनी इनकी जो आग है, इनकी जो आग है ना वो नाभि में है जी। जब आप इन महिलाओं को मिलने जाएंगी जो मेरे साथ होता है हमेशा कि इनकी नाभि में एक आग जल रही होती है कि मेरे गांव की हर बच्ची स्कूल जाए, हर बच्चे को साफ पानी मिले, स्वास्थ्य केंद्र हो, गर्भवती महिलाओं को कुपोषित ना हो, जानवर को भी चारा मिले जी। वो कहती हैं बहन जी
आप कहती हैं कि हमारे पड़ोस में बच्चा भूखा ना सोए, अरे हम तो जानवर भी भूखा नहीं सोने देते जी। ये हमारा नाता है अपने गांव में लोगों के साथ। व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, व्हाट इज़ पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, क्या है जहाँ पे पॉलिटिकल लीडरशिप जी, जहाँ आप अपनी कंस्टिट्यूएंसी को देख के अपनी कंस्टिट्यूएंसी को भुखमरी पीड़ित लोगों को माइनॉरिटीज़ को हर एक को उठाते हैं और एक नए लेवल पे ले जाते हैं अगर आप उन्हें, तो ये तो इतना ह्यूज काम है जो देश में विजिबल भी नहीं है। बहुत कम लोग इसके बारे में लिखते हैं, हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं, इसके बारे में लिख रहे हैं, इसके आंकड़े हैं जी। ये रेवोल्यूशन रिजर्वेशन से आया जी। मुझे याद है 2001 में मैं उन लोगों से मिली जो इस रिजर्वेशन में इन्वॉल्व थे जी। कुछ लोग तो उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा आपने क्या सोचा था क्यों रिजर्व की सीट्स महिलाओं के लिए पंचायत में, तो उन्होंने कहा नहीं तब एक सोच थी कि अगर बड़ी खूबसूरत सोच थी कि अगर गांव की एक महिला के पास 10 रुपये हैं तो वो उसमें अपने बच्चा भी स्कूल भेज देती है, घर में राशन भी ले आती है, खेत में काम भी कर लेती है, बूढ़े सास ससुर की दवाइयाँ भी ले आती है, और जब बरसात आती है और घर में अनाज नहीं होता है तो 2 रुपये निकाल के अनाज के पैसे भी जुगाड़ कर लेती है। अगर उसमें इतनी अकल है कि वो अपना घर चला रही है, इतनी खूबसूरती से चला रही है, तो वो देश की राजनीति में क्यों नहीं है जी, उसे क्यों नहीं इन्वॉल्व किया गया। तो ये सोच के और उन कहने लगे एक लहर थी, तो हमने सोचा कि 33% रिजर्वेशन पंचायत के लेवल पे दे देते हैं, वैसे भी महिलाएं तो बेवकूफ़ होती हैं, कुछ करेंगी नहीं, अपने आप नेचुरल डेथ है, पूरी कैंपेन ख़त्म हो जाएगी। पर आज तो तुम देखो महिलाएं चारों तरफ फैली हुई हैं, कहाँ गांव में जाओ नालियां साफ हैं, महिलाएं खड़ी होकर करा रही हैं, वन पंचायतें काम कर रही हैं उत्तराखंड में, महिलाएं वन पंचायत चला रही हैं, पेड़ नहीं कटने दे रही हैं, महिलाएं सब बच्चों को स्कूल भेज रही हैं, घर घर में जाके बात कर रही हैं। आज की डेट में हम लोग महिलाओं के साथ जुड़ के वो जो किशोरी बालिकाएं हैं 12 से 18 साल की, उनके साथ महिलाओं को जोड़ के काम कर रहे हैं ताकि वो भावी पॉलिटिकल लीडर्स बने जी, एक रास्ता नापें, क्योंकि पंचायत की महिलाओं ने वो रास्ता नापा है, वो 5 साल डट के काम कर रही हैं। वापस आपके सवाल पे कि वो ऊपर के लेवल पे क्यों नहीं जाती हैं, संसद में नहीं आती हैं, असेंबलीज में नहीं आती हैं, एक तो बात ये है कि उन लेवल पे जाने के लिए इतने चैलेंजेस हैं महिलाओं के सामने। पंचायत में इटसेल्फ हमारे पास इतनी कहानियाँ हैं आपको बताने के लिए, जहाँ महिलाओं को पीटा जाता है अगर वो पंचायत के इलेक्शन में खड़ी होती है जी। उसे थ्रेट किया जाता है, मर्डर तक होते हैं, तो वो सब झेलती हैं। अब उन्हें अगले लेवल पे जाने के लिए सपोर्ट स्ट्रक्चर का, यहाँ तो सरकार ट्रेनिंग भी नहीं करती पंचायत में जब वो आती हैं चुन के। तो आपको कहीं ना कहीं लगता है कि पॉलिसी गवर्नेंस इन सब को लेके उनको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए? अरे भाई, क्या एफर्ट्स होने चाहिए? इसको देश में देखा जाना चाहिए कि ये सच में एक रेवोल्यूशन है जी। इसी रेवोल्यूशन को अगर हम नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे, कैन यू इमेजिन अगर यही महिला जो कि हेडमास्टर को लॉक कर देती है बाहर जी, यही महिला अगर पार्लियामेंट में बैठे तो वो क्या करेगी? शी उसका जो तवज्जो होगा ना वो लोगों पे है, क्योंकि वो नीचे से उठ के जब ऊपर आएगी तो वो सारे सिस्टम को समझती हुई आएगी। वो पूरे उसने कुपोषित बच्चों को देखा है, उसने अपने गांव में बिजली कभी नहीं होती है जी, बच्चे अंधेरे में पढ़ते देखे हैं, उसने पानी साफ नहीं है, डायरिया से बच्चों को मरते हुए बीमार होते हुए देखा है, वो सब कुछ देख के आई है। वो किसी की बहू बेटी पार्लियामेंट में नहीं बैठी हुई जी, ये एक फर्क है। वो बहुत फर्क, क्या यही फर्क है? एक नहीं, यही फर्क है जी, कि वो पूरे इस चीज को झेलती हुई, और वो कहती हैं कि बहन जी अगर हम पार्लियामेंट में चली जाएंगी ना जी, तो इस देश में एक बच्चा भी भूखा नहीं रहेगा जी।
इस देश में एक बच्ची भी की भी भ्रूण हत्या नहीं होने देंगे जी। आज ये नारे हैं, भ्रूण हत्या मत करो, लड़कियों को मत मारो, बेटी बढ़ाओ बेटी, दीज आर वेरी वेरी गुड जेस्चर्स जी। लेकिन इन जेस्चर्स को रियलिटी बनाना, इनको सच्चाई करने के लिए लीडर्स चाहिए। आप जिस लीडर की बात कर रही हैं, जिस तरह की आपने क्वालिटीज़ देखी, बहुत सारी इन महिलाओं में आपने क्वालिटीज़ जो देखी होंगी जो कि लीडर में होनी चाहिए, कुछ आप हमें हमारे साथ वो शेयर करें। इनकी एक बड़ी सिंपल, इन महिलाओं का एक बहुत ही सिंपल नारा है या अपना मंत्र है, मूल मंत्र है। मूल मंत्र इनका क्या है कि हमारी जो अपनी कंस्टिट्यूएंसी है उसमें जब हम ट्रेनिंग करते हैं, हमारी ट्रेनिंग में महिलाएं बैठ के अपने गांव का नक्शा बनाती हैं जी। हाँ, वो एक पूरा सत्र होता है आधे दिन का। तो वो जब वो नक्शा बनाती हैं तो वो इतनी खूबसूरत, पढ़ी लिखी तो है नहीं जी, तो वो लेकिन उनको सबको आता है, बहुत खूबसूरत एक स्किल है, लोकल आर्ट्स है जी। इस देश में इतनी विजडम है, बिल्कुल इतनी विजडम है, लोकल विजडम। तो वो बैठती हैं तो जब नक्शे बनाती हैं वो कहती हैं, अच्छा बहन जी यहाँ पे ना जो कुआं है ये उछली ऊँचे की जाति के वहाँ पे है, यहाँ छोटी जाति की महिलाएं उस कुएं से पानी नहीं लेती हैं, तो हैंडपम्प कहाँ लगेगा जी। इनको मालूम है। फिर वो बात करती हैं कि बहन जी अगर स्कूल बनाना है, राजस्थान में एक मैं पंचायत की मीटिंग में एज ऑब्जर्वर बैठी हुई थी, तो पंचायत की ट्रेनिंग चल रही थी, आदमी भी थे महिलाएँ भी थी, तो वो कहने लगे कि 10वीं तक स्कूल है गांव के बीचों बीच जो लड़के लड़कियां पढ़ते हैं, 10वीं के बाद जो हाई स्कूल होगा वो गांव के बाहर बनेगा, और लड़कियां फिर वो 2-3 साल लग जाएंगे, लड़कियां फिर उस स्कूल में आगे पढ़ने जा सकती हैं, लेकिन यहाँ ये स्कूल फिर हाई स्कूल लड़कों के लिए जी। तो महिलाएँ पहले तो 2 मिनट चुप रही, पंचायत की ट्रेंड महिलाएं, हंगर प्रोजेक्ट ने ट्रेनिंग की हुई थी उनकी, पहले तो चुप रही, थोड़ा घूंघट भी था, हटा के एक कहती है क्यों 3 साल लग जाएंगे हाई स्कूल बनने में, और फिर बच्चियां पैदल चल के वहाँ जाएंगी, रास्ते में उन्हें लड़के छेड़ेंगे, सिक्योरिटी उनकी होगी नहीं, तो ये स्कूल गाँव के बीचों बीच है, इसे लड़कियों को दे दो, 3 साल के बाद लड़के चले जाएंगे हाई स्कूल में। तो वो जो पंचायत का प्रधान था वो आदमी था, तो कहने लगा नहीं फिर लड़कों का 2 साल खराब हो जाएंगे जी। तो पंचायत की महिला ने कहा हमारी बच्चियों की तो जिंदगियां बर्बाद हो चुकी हैं, अब 2 साल की बात करते हो। और पंचायत में बैठी हुई महिलाओं ने सिग्नेचर कराए उस रजिस्टर के ऊपर और कहा कि ये बीचों बीच गांव के स्कूल लड़कियों को दिया जाएगा, और ये हुआ। किसको पता है इस देश में जी, किसको पता है इस देश में कि वो एक लीडर, ये संवेदनाएं भी हैं उसमें, लीडरशिप क्वालिटीज भी हैं उसमें, एडमिनिस्ट्रेशन के अच्छे स्किल्स भी हैं उस, और इतनी क्लैरिटी जी कि लड़की क्यों 3 किलोमीटर पैदल चल के जाएगी जब स्कूल गांव के बीच में है, वो लड़की जाएगी, ये सोच। अभी हम लोग जेंडर पे बात करते हैं, लेकिन जेंडर के ऊपर बात करने के लिए उसे इम्प्लीमेंट भी करना पड़ता है ना, जब तक एक्शन नहीं होंगे। सच्चाई कहाँ है, एक्शन कहाँ है, नेक्स्ट स्टेप कहाँ है, बात करते हैं, सोच है, सोच बहुत बढ़िया है, लेकिन उस सोच को ये नेत्रियाँ ही कर रही हैं, आगे ये नेत्रियाँ लेके जा रही हैं। आज के 20 साल बाद तुम या तुम्हारी बेटी या तुम्हारे बच्चे तुमसे पूछेंगे कि पूर्णिमा ये किसने किया यार बदलाव, गांव में सब लड़कियाँ 12th पास हैं और अब पंचायत में 12th पास लड़कियाँ आ रही हैं, ना कि अनपढ़ 60 साल की औरत आ रही जो 2000 में आ रही थी, तो ये किसने किया, इन महिलाओं ने। ये ट्रांसफॉर्मेशन शब्द मैं यूज़ करूँगी, बदलाव भी नहीं, टोटल ट्रांसफॉर्मेशन 360 डिग्री की बदलाव जी, ये दिस इज़ लीडरशिप। और ये नहीं है कि एक खास उम्र की औरतें आ रही हैं पंचायत राज में, यंग लड़कियां तो आ शुरू की, जब पहले सेट ऑफ, पहले 2 सेट ऑफ 10 साल के इलेक्शन हुए संशोधन के बाद, उस टाइम पे वो माताएं जो के लोकल लीडर्स थे उनकी बहनें, क्यों करके समझ ही नहीं आई लोगों को जी। पंचायत की महिलाएं कहने लगी हमें तो पता ही नहीं, हम घर आए तो हमारे आदमी ने बोला ये सुरक्षित सीट है, इससे तुम्हें खड़ा किया, तुमको मिल गई। तो उस जमाना था, आज की डेट के अगर तुम आंकड़े देखो तो 60% है यंग यूथ, अच्छा पढ़ी लिखी एकदम, देर मोबाइल करियर छोड़, मोबाइल फोन हाथ में जी,
मैसेज भेज रही है जी, सरकार की कौन कौन सी वो आई हैं योजनाएं हैं, किस योजना में इम्प्लीमेंट करना है, कहाँ पैसा आया, कहाँ खड़े होके मॉनिटरिंग करनी है। कम ऑन यार, रोंगटे खड़े हो जाते हैं इनको देख के जी। फिर आपको लगता है कि ये देश में अपर लेवल पे क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हो रहा, क्यों नहीं दिख रहा, इन्हीं को ऊपर आना है। हम लोग पूरी कोशिश करते हैं, महिलाओं के साथ बात भी करते हैं, लेकिन इन महिला, कैन यू इमेजिन कि जो महिला जिसको अपने घर में सपोर्ट नहीं मिलती, फिर गाँव के जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, मेल लीडर्स हैं, पेट्रियार्की है वहाँ पे, पितृसत्ता है वहाँ की, वो उसे पनपने नहीं दे रही है, वो फिर भी लड़ रही है जी, फिर भी जूझती है, डरती नहीं है, वो फिर भी ये सब कुछ कर रही है। कॉन्ट्रैक्टर जो वाटर पाइप ले कर रहा है तो उसे उसमें पैसे मिल रहे हैं, वो कहती नहीं हम कराएंगे जी। तो वो शीस वो क्या कर रही, चैलेंज कर रही है जी, ढर्रे को चैलेंज। आप मुझे बताओ कितनी महिलाएं पार्लियामेंट में ढर्रे को चैलेंज करती हैं जी? नहीं करती हैं, क्यों? करके उनको हर हालत में लीडरशिप को बनाए रखना है जी। ये महिलाएं उस रास्ते को नहीं नाप रही हैं, अभी तक नहीं नाप रही हैं, क्योंकि वहां तो वो इंटरनल पॉलिटिक्स को भी झेलती हैं। अरे भाई, जिसने वोट दिए ना वो तुम्हारे साथ वाले घर में रह रहे हैं,